हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मेरे पास है यहाँ पे Acer प्रेडिटर हेलियोस 300 का गेमिंग लैपटॉप। ये एक बहुत ही पावरफुल स्पेक्स के साथ आता है और ये किसी भी ट्रिपल ए गेमिंग टाइटल्स को बहुत ही इजीली चला सकता है और ये इसकी प्राइस भी बहुत ही अफोर्डेबल है एक प्रीमियम गेमिंग लैपटॉप की तरफ। तो चलिए इसकी रिव्यू स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा ये परफॉर्म करता है मेरे रिव्यू में। लेट्स स्टार्ट। Acer Helios Predator 300 आता है ब्लैक एल्युमिनियम फिनिश और गेमिंग इंस्पायर्ड डिजाइन के साथ। ये इसका लोगो। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ओपन करते ही हमें मिलता है 10x8 cm का ग्लास ट्रैक पैड जो कि एक्यूरेट है। सामने में है 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले जो कि आता है 144Hz के स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ। पावर ऑन करते ही हमें मिलता है प्रेडिटर का लोगो और साथ में गेमिंग इंस्पायर्ड ऑडियो। ये मैंने किया लॉगिन। लॉगिन करने के बाद अब देखते हैं इसके पोर्ट्स को। लेफ्ट साइड में आता है 3.5 mm का हेडफोन प्लस माइक का कॉम्बो जैक, दो USB 3 के पोर्ट्स, एक इथरनेट जैक, चार्जिंग पोर्ट्स और एयर वेंट्स। राइट साइड में आपको मिलेगा एक USB C का पोर्ट, एक USB 3 पोर्ट, मिनी डिस्प्ले पोर्ट, HDMI आउट और एयर वेंट। इस लैपटॉप के पीछे में आपको कोई भी पोर्ट नहीं मिलेगा। इसकी थिकनेस है 26 mm और वेट है 2.7 kg। इसमें फुल साइज कीबोर्ड दिया गया है जो कि sRGB बैकलिट है। गेमिंग कीज को हाईलाइट किया गया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। टाइपिंग में बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ की ट्रेवल है और सेटिस्फाइंग बाउंस भी देता है। पावर बटन इसके फुल साइज कीबोर्ड में ही अटैच्ड है। इसका स्क्रीन बेजल बहुत ही पतला है जो कि इसके डिस्प्ले को एक स्लिमर लुक देती है। इसमें 720p का वेबकैम दिया गया है। ये लैपटॉप आता है विंडोज 10 होम 64-bit के साथ। हार्डवेयर की बात करें तो इसमें है i7 9th generation 9750H जो कि क्लॉक्ड है 2.6 GHz पे। इसमें आता है NVIDIA का 1660 Ti GPU, 6GB VRAM के साथ। RAM है 16GB का DDR4। स्टोरेज के लिए 256GB का SSD और 1TB का हार्ड डिस्क दिया गया है। स्पीड ये है। तो चलिए ओपन करते हैं प्रेडिटर सिंस ऐप को। सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ पे कीबोर्ड लाइट कंट्रोल और ये हैं इसके डिफरेंट लाइट मोड्स। इसके बाद आता है हमें टेम्परेचर का कंट्रोल, फिर ओवरक्लॉकिंग, यहाँ पे आप ओवरक्लॉक कर सकते हो CPU और GPU को बेटर परफॉर्मेंस के लिए। फिर आता है फैन कंट्रोल, मॉनिटरिंग, गेम सिंक और ऐप सेंटर। अब बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की। चार्जिंग के लिए 180 वाट का चार्जर दिया गया है जो कि इसे 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर देती है। नॉर्मल यूसेज पे ये 3 से 4 घंटे की बैकअप देती है और इसकी बैटरी है 58 वाट आवर की। अब खेलते हैं विचर 3। टर्बो बटन को क्लिक किया, लैपटॉप गया परफॉर्मेंस मोड पे, ग्राफिक को किया अल्ट्रा। अब आप मजा ले सकते हैं 144Hz के गेमिंग का Acer Helios 300 पे। Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. We must look into the trials we failed long ago. Let's go! गेम खेलते वक्त जब आप इस लैपटॉप को टर्बो मोड में डालेंगे तो इसके फैन का नॉइज बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो बेहतर होगा कि आप हेडफोन का यूज करें उस समय। 1 घंटे गेमिंग करने के बाद अब नजर डालते हैं इसके बेंचमार्क्स पे। इसकी मैक्सिमम टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गई है। कूलिंग इसकी बहुत ही सही है और यही इस लैपटॉप की खासियत है। ये है इसके मैक्सिमम FPS डिफरेंट गेम्स में और बैटरी रन टाइम। अब देखते हैं इस लैपटॉप में अपग्रेडिंग ऑप्शंस आपके पास क्या क्या आते हैं। इसमें 2 M.2 का स्लॉट्स आता है, मतलब 2 SSD लग जाएंगे। एक हार्ड डिस्क का स्लॉट है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं फ्यूचर में और 2 RAM के स्लॉट्स हैं। तो अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट, इस लैपटॉप के प्रोज को अगर देखा जाए तो इसका डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, कलर्स इसके बहुत ही एक्यूरेट है और ये किसी भी गेम को FHD में, फुल HD में 144 FPS पे चला सकता है। कॉन्स में अगर देखें तो ज़्यादातर कुछ है नहीं। पहला तो है स्पीकर, इसका लाउडनेस बहुत ही कम है और इसकी बैटरी लाइफ जो कि बहुत ही कम है। तो यूजुअली सारे गेमिंग और परफॉर्मेंस लैपटॉप की बैटरी लाइफ बहुत ही कम ही होती है, तो मैं इसे बेस्ट परफॉर्मेंस गेमिंग लैपटॉप मानता हूँ 1 लाख के अंदर में। ये बेस्ट है अगर आप कलर एक्यूरेट ग्राफिक वर्क करते हैं तो, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर हैं तो, ग्राफिक डिज़ाइनर या एनिमेटर है तो। इसे आप ना खरीदें अगर आप नॉर्मल काम करना चाहते हैं इसमें अगर आप मूवी देखना चाहते हैं, वेब सर्फ करना चाहते हैं या कैजुअल गेमिंग करना चाहते हैं तो। अगर आप कैजुअल गेमिंग के शौकीन हैं तो आप मेरा लेने वो वाई फाई 40 का रिव्यू देख सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है।
ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके लेटेस्ट प्राइसिंग के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं।